किया टर्बो से थोड़ी कम है। तो यार एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम चला रहे हैं MG की हेक्टर। तो सबसे पहले मैं इसके इंजन की बात करूँ ना, तो इसमें आप लोग को एक 1500 cc का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 141 bhp और 250 Nm का टॉर्क। तो पावर फिगर्स देखने में जो लग रही है ना गाड़ी की, मतलब ठीक ठाक पावर इसमें और टॉर्क भी इसमें मिल जाता है। तो बाकी तो अभी तुम लोग पहले देखो कि ये गाड़ी कैसी है, उसके बाद में तो मैं बताऊंगा कि मैंने जो फील किया क्या था इस गाड़ी के बारे में। वीडियो काफी है। किया टर्बो से थोड़ी कम है। उसमें भी 1.5 है, उसमें 160 bhp, सिलेंडर भी वो 4 है, इंजन में तो कहीं ना कहीं पीछे है, तो बाकी चीजें इंजन को कवर करती है। सारी चीजें एक जगह नहीं मिलती। कोई कार परफेक्ट होती नहीं है ना, कहीं ना कहीं दिक्कत मिलेगी अगर किसी में। देखो जैसा कि अब तुमने बातों से समझ लिया होगा, तो मैं बता रहा हूँ तो इस गाड़ी में पावर तो भाई बहुत अंडर पावर फील होती है, और गाड़ी एवरेज भी जो कंपनी क्लेम कर रही है वो सिर्फ 14.5 की है। तो देखो वो चीज़ ना बहुत कम है। इस गाड़ी का मेन पर्पस देखो यही है, फीचर लोडेड भाई इसमें इतने अंधे लेवल के फीचर है ना भाई, ये जो भाई ऑडी BMW मर्सिडीज़ में नहीं मिलेंगे ना, वो भाई इस गाड़ी में। मतलब आप पूरी गाड़ी को देखो वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हो, और इसका जो बूट वाला फीचर था कि आप वो भी डिसाइड कर सकते हो कि इसकी बूट कितने परसेंट पे खोल ली है, मतलब 80% बूट खोलनी है, 50% बूट खोलनी है, और इलेक्ट्रिक टेल गेट इसमें आप लोग को मिल जाता है। और बाकी तो गेयरबॉक्स गाड़ी का अच्छा था, और जो प्रीमियमनेस ये गाड़ी देती है ना वो और कोई गाड़ी इस बजट की नहीं देती। देखो मेन चीज़ इस गाड़ी की यहीं पर है, अगर आप लोग को फीचर्स और वो चाहिए ना, तो ये गाड़ी आप लोग के लिए विन हो सकती है। तो बाकी तो अभी तुम वीडियो देखो, मैं आगे बताता हूँ तुम्हें। इतनी स्पीड में भी इसका डैश काम करता है? नहीं ना, वो कहीं हम स्पीड से आ रहे हैं जब रोकेगा गाड़ी। तो ना इस गाड़ी में आप लोग को 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। मतलब MG ने भाई पूरा इंतजाम करके भेजा है कि 14 की एवरेज कंपनी क्लेम कर रही है, तो भाई गाड़ी जो देती है ना रियल लाइफ में वो भाई सिंगल डिजिट्स में देती है। तो देखो जो एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हो सकती है उससे तो बहुत कम एवरेज ये गाड़ी क्लेम करती है, और देती भी कम ही है। देखो और बेसिकली ना देखो इसका यही है, इसमें देखो इतना बड़ा टैब सा मिल जाता है, इसमें भाई पूरा ग्लोब सा दिखा दिया इन्होंने। और जो MG कंपनी है ना यार, ब्रिटिश कंपनी है, इसमें इंडिकेटर्स ऑटोमेटिक हैं। आप सिटी में हैं, ये पेट्रोल वाली है ना? हाँ। अच्छा, इसमें ऑटोमेटिक इंडिकेटर है। हाँ। और अगर आपको पहले से इंडिकेट करना है तो लीवर यूज कर सकते हैं। कितने सिलेंडर इंजन है? थ्री है। थ्री सिलेंडर है। स्मूथ तो होता है थ्री सिलेंडर के साथ में। ये पावर अच्छी लग रही है, ये थ्रॉटल ले भी नहीं रहा। ये ऑटो डेमिंग है? कितनी bhp बताई आपने इसमें? PS है 110। 110 110 PS। ये क्रूज कंट्रोल हो गया, ये किस चीज के लिए है? ये तो ADAS वाली। अच्छा, ये ADAS वाली है। अब जैसे अगर आप नीचे शॉप हो तो उसमें नॉर्मल क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा आपको। तो यार अब मैं ना तुम्हें बता देता हूँ ये किस बायर के लिए गाड़ी परफेक्ट रहेगी। तो देखो अगर आप लोग का ना बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है, क्योंकि देखो इस गाड़ी की एवरेज बहुत कम है, बहुत से मतलब देखो सिंगल डिजिट्स देगी और उतनी पावर नहीं है, तो ये बात ना हजम होनी मुश्किल होती है। तो यही है देखो, अगर आप लोग को एक ऐसी गाड़ी चाहिए ना भाई जिसमें अंधे फीचर्स हों, मतलब इतने फीचर डाल दिए कि आप लोग हर दिन नया फीचर एक्सप्लोर कर पाओ, तो
उस बंदे के लिए भाई ये गाड़ी परफेक्ट है। और आप लोग कभी कभार गाड़ी चलाते हो तो ये गाड़ी अच्छी है, अगर आप लोग को पावर चाहिए तो ये गाड़ी अच्छी नहीं है। तो यही था आज की वीडियो में, बाय बाय।